there. People are getting restive and they are requesting us to please move downstairs so that there will be more space to accommodate everyone. Can we do it in an orderly way so that the media can... एक दूसरे के घर जा सकते हैं मगर खरीद कुछ नहीं सकते। वहां पर इंटरनेट बंद है, ये सब बातें हमको आई हैं, फोन बंद है। लोगों का कहना था कि 17 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब लैंडलाइन तक काटी गई है। हमें 9 तारीख से और 13 तारीख के बीच हम जिस भी गली पूछे के अंदर में गए, जिस भी गाँव के अंदर में गए, हमें लोगों की दुख और पीड़ा समझ में आई और हमको बिल्कुल ये मालूम पड़ा किसी ने भी हमारे खिलाफ या किसी भारतीय के खिलाफ या अमरनाथ यात्रा के यात्री के खिलाफ या पर्यटकों के खिलाफ या जो हजारों लाख लोग जो वहां पर काम करते हैं, कामगार हैं, उनके खिलाफ कुछ कहा हो। हमारी सुबह होती थी गुरुद्वारे से गुरुबानी आधा पौने घंटे चलती थी, उसके बाद में अजान सुनाई देती थी। हमको बहुत जगह के ऊपर में मंदिर नजर आए हैं जिसके ऊपर में हनुमान जी के झंडे भी शांति से थे। किसी ने कहीं कोई ऐसी बात नहीं की, लोगों ने सीधा कहा हमारी अगर लड़ाई है तो भारतीय स्टेट से है, हम लोगों के कोई विरोध में नहीं है। और पंडितों के लिए उन्होंने कहा कि कश्मीरी हम मिले, हम कश्मीरी पंडितों से मिले, कश्मीरी पंडिताइन जी से मिले और उन्होंने कहा हम यहाँ पर सुरक्षित हैं। एक कश्मीरी पंडित जी ने कहा कि जब हमसे कहा गया सरकार ने सुरक्षा लो तो उन्होंने कहा कि जवाब दिया हमारी सुरक्षा हमारे पास है, हम अगर इनसे सुरक्षा लेते हैं तो हम बल्कि ज्यादा सुरक्षित होंगे। लोगों का कहना था कि जगमोहन जी ने यहाँ से पंडितों को निकाला मगर हम लोग के पास में आज भी जो पंडित लोग रहते हैं वो सुरक्षित हैं। हमको कलकत्ता से आए सुनार मिले छोटे लड़के जो कि 6 साल से काम रह रहे हैं, पूरे लगभग राजबाग में 200 के करीब होटल हैं, उन सब होटल के अंदर में सिक्किम से लेकर के पश्चिमी बंगाल से लेकर के जगह जगह के लोग भारतीय लोग लड़के काम करते नजर आए। उनकी पीड़ा सिर्फ इतनी थी कि 8-10 दिन से हम घर में कहीं बात नहीं कर पाए हैं। ये कश्मीर के लोगों की पीड़ा थी कि कश्मीरियत पे हमला है और उनकी कश्मीरियत एक सरकारी कर्मचारी जो पंडित जी हैं जम्मू के हैं और वो कश्मीर के अंदर में रह के काम करते हैं, युवा साथी हैं, उनका नाम और वो बताना उचित नहीं है मगर उनका रिकॉर्डिंग हमारे पास हम दे सकते हैं। मगर उनका कहना था कि हमारी कश्मीरियत जिसके अंदर में मुसलमान सिख और हिंदू हैं उसके ऊपर में हमला है। हमको कहीं पर भी वो विकास जिस विकास को प्रधानमंत्री महोदय या दूसरे गुजराती महोदय बोलते हैं वो गुजरात के वो विकास लाएंगे, हमें ऐसी कहीं कमी नजर नहीं है। हम गांव-गांव के अंदर में गए, गांव के बच्चों ने बताया कि हमारे इंटरनेट चेक किए जाते थे, हमारे फोन चेक करते हैं तो घर वाले कहते हैं फोन घर में रख करके जाओ क्योंकि फोन छीन लिए जाएंगे। और लोगों ने ये भी बताया घर में औरतें भी असुरक्षित हैं क्योंकि रात को 11-12 बजे पुलिस नहीं मिलिट्री आती है और धड़धड़ाती आती है और फिर वो किसको कहां ले जाती है कैसे करती है, महिलाएं बोल नहीं सकती कि क्या होता है क्योंकि वो जरूर हर गांव में बताया कि दूसरे गांव में महिलाओं के साथ ऐसा हुआ मगर दुख के बाद वो ये कह नहीं पाए कि इस गाँव में या हमारे घर में भी हुआ। और हमने कहा जब उनसे हमने दिल्ली का उनको क्योंकि मेरा पहला वाक्य था मैं कश्मीर गया था ऐसी परिस्थिति मैंने उनको सुझाने लगा कि आप क्यों नहीं इकट्ठे हो जाते हैं घंटी बजाते हैं तो वो थोड़ा मुस्कुराए भी और थोड़ा हतप्रभ होकर उन्होंने चेहरा देखा। उनका कहना था कि अगर हम अपनी आवाज दिन में किसी को बताते हैं कि हमारे घर में ऐसा हुआ तो हमको फिर बाद में उसके तरीके झेलने पड़ते हैं, हमारे बच्चों को मिलिट्री उठाकर पुलिस नहीं मिलिट्री उठाकर के ले जाती है और मारती है पीटती है, कितने दिन रखती है एक बच्चे ने बताया 40 दिन रखा और जब वो छूट करके आया तो उसके परिवार से 100 रुपए रोज का लिया गया उसके खाने का और जेल में डाल करके जो प्रताड़ित किया गया। तो मिट्टी बताती है कि इसके साथ हमने किया है, अगर आप लोग ने भी कुछ किया तो आपकी दशा भी इसकी तरह होगी। हमको ईद वाले दिन एक 11-12 साल का बच्चा मिलता है जो बताता है कि वो नमाज पढ़ने गया और उसको उठा लिया गया। हमको बताया गया अनंतनाग में ईद वाले दिन जब आकर के टेलीविजन पे देखा तो वहां के सत्य क्वेश्चन मार्क है सत्य के ऊपर में, सत्यपाल मलिक जी जो वहां के गवर्नर साहब हैं उनके सत्य पे बिल्कुल क्वेश्चन में कहता हूँ, वो ही कह रहे थे अनंतनाग में सब जगह ईद मनाई गई और हमको याद था हमने वीडियो दिखाए जो धन्यवाद प्रेस क्लब जिनके कारण से हम नहीं दिखा पा रहे उनको मना किया उन्होंने हमको दिखाने के लिए मगर हमको भेजेंगे। अनंतनाग पूरी तरह से बंद था, लाइन के लाइन ट्रक
बंद खड़े हुए थे, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उनका कहना था अगर हमने ट्रक बाहर निकाले तो मेटी अब पुलिस ले जाएगी और अपनी ड्यूटी पर लगाएगी और हमारा आने का आर्थिकी खत्म हो जाएगी। जिस विकास की बात मोदी जी ने कही है, हमको लगता है पूरी साल भर की आर्थिकी इकोनॉमिक को तोड़ा है, क्योंकि ये वो पूरा समय था जब पर्यटन जोर शोर पे था, सेब के बगान लदे पड़े हुए हैं, वहां पर आने जाने वाले लोगों के पर्यटनों से जो आमदनी होनी थी वो खत्म हो गई। बाबा भोलेनाथ जरूर नाराज हो रहे होंगे क्योंकि यात्रियों को रोक दिया गया झूठी स्पाइनल कॉर्ड वो सब दिखा करके, ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि वहां पर ईद वाले दिन जो लोग अपनी खुशी मनाते वो पूरी तरीके से कैद कर दी गई। जम्मू की फोटोज दिखाई गई है, जम्मू की क्लिपिंग दिखाई गई है, मगर कश्मीर के अंदर में, श्रीनगर के अंदर में मस्जिदें बंद थी, अलग अलग छोटे गांवों के अंदर में मिट्टी ने धमकाया कि तुम्हारी अजान से हम डिस्टर्ब होते हैं, आपको अजान लाउड स्पीकर पे नहीं देनी होगी। लोगों ने गली और घरों में पढ़ी, जिसको कि वहां के गवर्नर साहब ने कहा कि लोगों ने गलियों घरों तक में नमाजें पढ़ी। वो इसलिए पढ़ी क्योंकि उनको ईदगाह में नमाज नहीं पढ़ने दी गई। इस समय पूरे कश्मीर के अंदर में गाँव के स्तर के जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे उन सबको भी गिरफ्तार करके रखा गया है, अलग अलग तरह की जेलों में, अलग अलग स्टेटस के अनुसार में रखा गया है। अगर पूर्व मुख्यमंत्रियों को बड़े होटलों में, तो गांव के जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनको ब्लॉक जैसे या स्कूल में या किसी ऐसी जगह बंद करके रखा गया। अगर हम एक गांव से जाके दूसरे गांव में बताते थे तो हमको लगता था हम रेडियो हो गए, क्योंकि उन गांव के लोगों को नहीं मालूम कि बाकी की जगह पे क्या हो रहा है, उनको नहीं मालूम कि भारत में क्या हो रहा है, उनको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि भारत के तमाम लोग यहाँ पर भी जो खड़े और जो बराबर खड़े रहे हैं वो उनके पक्ष में खड़े हुए हैं। पूरे कश्मीर के अंदर में इस समय आर्थिकी का टूटना बड़ी बात है। हम लोगों ने एक एक गाँव के अंदर में पाया, अंग्रेजी को मैं नहीं मानता कि वो पढ़ाई लिखाई का कोई स्तर है, मगर फिर भी ये कहना चाहूँगा कि एमए पास पीएचडी करने वाले बच्चे और अंग्रेजी में सीधा पूरी बात, हमारे साथ जॉन भाई थे तो उनको देख के वो तुरंत अंग्रेजी में बात करते थे और कहते थे पूरी पूरी बात रख रहे थे। उनके वीडियोस हमारे पास हैं, ऑडियो वीडियो हैं, हम उनके चेहरे नहीं लिए, मगर ये पूरी बात बताती है कि कश्मीर को आपने पूरी तरीके से लोहे की दीवार में बंद करके रख दिया है, मुंह पे पूरी तरह पट्टी है, सिर्फ आँख खुली है, कान खुले हुए हैं, अंदर में आक्रोश है। हम ये नहीं कहेंगे कि कोई मिलिटेंसी की बात है या नहीं है, मगर हम ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आपको जब मैं पूरी तरीके से बंद करके रखता हूं, जब मेरे साथियों को ऊपर से नीचे लाने के लिए कहा गया तो हमारे साथियों को परेशानी हुई। अब सोचिए कि जब पूरी तरह बंद करके रखा गया हो तब क्या होगा। मुझे याद है कि दो लड़कियां मिलती हैं जो हमारे आसपास घूमती हैं, हमें निग्लेक्ट करती हैं, बहुत समझ के बाद पूछती हैं, फिर वो बताती हैं कि वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ती हैं और उनके नाना की दो दिन पहले डेथ हो गई और किसी ने कहीं दूर आके बताया तो किसी तरह वो पहुंचे। हम अगर अलग अलग जगह के ऊपर में गए, एक गांव में पहुंचे, हमको मालूम पड़ता है कि दूसरे गांव में भी मिट्टी ने लड़कों को काफी उठाए। हम उस गांव में जाने लगे मगर वहां पर तभी पीछे से बहुत सारी मिट्टी की गाड़ियां आई और हमारे साथी ड्राइवर ने कहा कि आप निकल के भागे इस समय में, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। इतनी अनिश्चितता की समय पे हमें कई बार भी किसी भी गाँव वाले ने शहर के अंदर में ये जानने के बाद हम कौन है जानने से पहले प्रश्न था और उस जानने के बाद में उन्होंने जो आवभगत की, हमारे पेट यहाँ तक भर गए, जो मीठा पानी और नाश्ता उन्होंने कराया, घरों में खाना खिलाया। असली खतरा जो था उनका सबका कहना वो उनका ये कि उनकी कश्मीरियत पे हमला है, जो उनकी रची बसी संस्कृति है उसके ऊपर भी हमला है। हमको पूरी तरीके से आपसे आग्रह करना है क्योंकि प्रेस और मीडिया वहां पर नहीं जा पा रहा है। हमको जी न्यूज के एक पत्रकार साथी मिले, उन्होंने कहा कि बाहर के साथी आ रहे हैं मगर हम तक को बाहर बात नहीं कहने दी जा रही। तो मीडिया को खुद इस समय में कैद करके रखा हुआ है, ये कैद टूटनी चाहिए, ये आवाजें निकलनी चाहिए, वो जो कहना चाहते हैं उनको कहने देना चाहिए। यदि आप पूरी तरह बंद करके रखेंगे गुब्बारे को तो वो कैसे फटेगा, फिर आप कहेंगे कि ये क्या हो रहा है। तो एक अंतिम बात मैं कह के खत्म ये करना चाहता हूँ कि हमारे गृह मंत्री को तो इस बात का जरूर एहसास होगा कि जेल कैसी होती है, उनको जरूर एहसास होगा कि जब जिला बदर किया जाता है तो कैसी पीड़ा होती है, तो कृपया करके वो कश्मीर को ऐसी परिस्थिति में ना डालें। इसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।